भारत देश बदलाव के उस मोड़ पर है जहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शायद ही कोई भूल पाएगा। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं 8 नवंबर को हुए नरेंद्र मोदी की नोटबंदी के ऐलान की। नोटबंदी, यह वह शब्द है जो आजकल हर किसी की जुबान पर देखने को मिल रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि यह आर्थिक आपातकाल है, तो वहीं कुछ लोगों का मानना है कि आज़ाद भारत की सबसे बड़ी क्रांति है नोटबंदी। कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं सरकार ने यह कदम हड़बड़ाहट में उठाया है, तो वहीं ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो कह रहे हैं कि भविष्य की नीतियों को सोच समझ कर यह कदम उठाया है। क्या सही में नोटबंदी से अच्छे दिन वापस आएंगे? क्या नोटबंदी कालाधन हटा पाएगी? इसी की पड़ताल हम आज करेंगे। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग राय मौजूद हैं। हमारे साथ न्यायपालिका की भूमिका पर सारी बातें जानने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड ऑनरेबल जस्टिस भंवर सिंह मौजूद हैं। नोटबंदी का मार्केट पर क्या आर्थिक प्रभाव है, इसकी चर्चा करने के लिए हमारे साथ एसोसिएट प्रोफेसर मिसेस चंद्रानी जी हैं। एकेडेमिक, राजनीतिक और बाकी सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रोफेसर विक्रम दत्त मौजूद हैं। ब्यूरोक्रेसी नोटबंदी पर क्या सोचती है, इसकी चर्चा करने के लिए हमारे साथ SN झा मौजूद हैं, जो एक IAS ऑफिसर हैं। अपने प्रश्न उत्तर का चरण शुरू करने से पहले हम अपने मेहमानों की राय जान लेते हैं कि नोटबंदी पर इनकी क्या राय है। जस्टिस भंवर सिंह, डीमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी, ये कोई पहला मौका नहीं है जो ऐसा हुआ हो। इससे पहले भी हमारी हिस्ट्री में 2 बार डीमोनेटाइजेशन हो चुका है। एक तो बहुत पहले हुआ है जो शायद मुझे भी याद नहीं है, 1946 में, जब उस वक्त की गवर्नमेंट ने, उस वक्त तो भारत देश आज़ाद भी नहीं हुआ था, 500 और 1000 के जो बड़े बड़े नोट थे बंद कर दिए थे। दूसरी नोटबंदी जब जनता गवर्नमेंट आई थी 1977 में, तो 78 में डीमोनेटाइजेशन हुआ था और उस वक्त 10,000 के, 2,000 के, 5,000 के, 1,000 के जो नोट चलते थे वो बंद कर दिए गए थे। ये तिबारा हुआ है कि 500 और 1,000 के नोट गवर्नमेंट ने उनका चलन बंद कर दिया है। प्रोफेसर दत्त, नोटबंदी पर आपके क्या विचार हैं? एज सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, जो गवर्नमेंट करती है हमें मानना पड़ता है। तो सबसे पहला जो ज़रूरी है कि हमें समझना है कि अब हो गया है तो कंप्लेन करके कोई फ़ायदा तो है नहीं। एक चीज़ जो समझ आ गई है ये 2 हफ्ते, 8 तारीख से आज तक, कि कितने कम पैसे में हम घर चला सकते हैं। तो अगर हमारे एक्सेस स्पेंडिंग कम हो जाए तो इंडिविजुअल्स के लिए तो अच्छा ही है कि एक्सेसिव स्पेंडिंग ख़त्म हो। बाद बाकी इससे ब्लैक मनी निकलेगा कि नहीं या बेटर प्रैक्टिसेस होंगे कि नहीं, वो तो भी थोड़ा टाइम बताएगा। लेकिन डीमोनेटाइजेशन के साथ साथ एक चीज़ जिस पे हमें चर्चा करनी पड़ेगी, और झा साहब हमारे बड़े सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं, उनकी भी राय हम पूछेंगे इस पे। बात ये पता चला है कि पाकिस्तान हैड मेड अ होल आर्सेनल ऑफ फेक करेंसी नोट्स एंड पार्टली और रादर सम सोर्सेज आर सेइंग मेनली डीमोनेटाइजेशन वाज टू प्रोटेक्ट द इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम द काउंटरफिट नोट्स। इसी के साथ में हम आगे चर्चा कर सकते हैं कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट थी, जिनका ये एक मैनिफेस्टो भी था 2.5 साल पहले जब गवर्नमेंट चुनाव लड़के आई थी, कि हम जो है ब्लैक मनी को, करप्शन को, इनको बंद करेंगे, कम करेंगे, उसी के मद्देनज़र यानी वही एम रखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस वक्त डीमोनेटाइजेशन किया है। पहला एम क्या है कि जैसा हमारे प्रोफेसर दत्त साहब ने बताया कि जो टेररिस्ट हैं उनको पाकिस्तान जैसे कंट्री काउंटरफीट नोट्स बना के, नकली नोट छाप के और टेररिस्टों को भड़का रहे थे, उनको पैसा भेज रहे थे। टेररिस्ट उससे अपनी गन खरीदते थे, अपने खाने पीने का इंजाम करते थे और उस करेंसी को चलाते थे। जब से नोटबंदी हुई है, ये एक प्रूफ है कि आज तक कश्मीर में जहां आए दिन डेमोंस्ट्रेशन हो रहे थे, एक भी डेमोंस्ट्रेशन नहीं हुआ है।
8 तारीख के बाद से सारे डेमोन्स्ट्रेशन बंद हैं। 300 नक्सल वादियों ने 300 ने अपना सरेंडर कर दिया है, क्योंकि उनके पास खाने पीने के लिए पैसा नहीं बचा है। तो इस तरीके से टेररिज्म पे लगाम आएगी। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी पहल की है, बड़ी अच्छी सोच के साथ पहल की है। दूसरा जो एम डिमोनेटाइजेशन का था वो था ब्लैक मनी को कम करना। ये बात तो चर्चा की है कि कितना ब्लैक मनी कम होगा, मगर ऐसा नहीं है जैसा क्रिटिसिज्म हो रहा है कि ब्लैक मनी शायद कम नहीं होगा, पक्का होगा। आज की डेट में जब, यानी आज की डेट से मतलब है जब डिमोनेटाइजेशन जिस डेट को हुआ 8 नवंबर को, 17 लाख करोड़, फिर से रिपीट करेंगे, 17 लाख करोड़ नोट बाजार में, यानी चलन में थे, प्रचलन था उन नोटों का। उनमें से 80% जो नोट थे उसी दोनों करेंसीज के 500 और 1000 के, वो जो है ट्रेड में लगे हुए थे। और उन्हीं की वजह से वो जो पैसा सर्कुलेशन में था, तीसरा एम जो गवर्नमेंट ने रखा है ब्लैक मनी को कम करने के लिए रखा है और करप्शन को कम करने के लिए लिखा है। हिंदुस्तान एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे ईमानदार लोगों को बेईमान बनाया जाता है, यानी जिनके पास ब्लैक मनी है, जो पैसे से हर चीज़ को खरीद सकते हैं, इवन न्याय भी खरीदने की बात करते हैं, तो उनके ऊपर लगाम आ जाएगी, एकदम तो आ ही जाएगी। आगे जो इसके आफ्टर इफेक्ट्स होंगे हम लोग चर्चा करेंगे, मगर ये जो तीन एम रखे गए हैं, टेररिज्म को ख़त्म करना, नंबर दो ब्लैक मनी को कम करना ख़त्म करना, और नंबर तीन करप्शन को ख़त्म करना, ये तीन मुद्दों के साथ, तीन उद्देश्यों के साथ ये सरकार का एक बहुत ही अच्छा कदम है। हम सबको इसकी प्रशंसा करनी चाहिए। जो परेशानियां आई हैं उनको हम लोग डिस्कशन के साथ, जो आगे स्टेप हम लोग उठा सकते हैं उनके साथ उसका निदान करने की कोशिश करेंगे। एसएन सर, ब्यूरोक्रेसीज पर क्या सोचती है? देखिए, सरकार का कदम, जैसा विक्रम जी ने बताया, सरकार का कदम है, सबको तो मानना पड़ेगा। सरकार ने कदम उठाया डिमोनेटाइजेशन का, जैसे भंवर सिंह साहब ने भी बताया है, इसको ये सोच कर कि टेररिज्म का, अभी टेररिज्म का थोड़ी देर के लिए अंकुश लगा है, नक्सलिज्म को थोड़ी दिन के लिए अंकुश लगा है, मगर कितना दिन तक अंकुश लगेगा ये कहना कठिन है। जैसा उन्होंने बताया, जो फेक करेंसी, काउंटरफिट करेंसी आ गई ही बाजार में आ गई है, तो ये कहना जो इससे नक्सलिज्म कम हो जाएगा या टेररिज्म कम हो जाएगा ये कठिन कहना है। इससे बेटर होता यदि आप सोर्स से जो फंडिंग हो रहा उसको आप पकड़ते, सोर्स से फंडिंग पकड़ते। डिमोनेटाइजेशन एक ऐसा आपने कर दिया, ठीक है, यदि किसी को दिक्कत नहीं होती तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। डिमोनेटाइजेशन आपने एक स्कीम बनाया, इससे कुछ जो ब्लैक रखने वाले लोग हैं, ब्लैक रखने वाले कितने लोग हैं, क्योंकि हमारी ज़्यादा करेंसी सर्कुलेशन में रहती है, काफ़ी लोग जो हैं वो बैंक अकाउंट नहीं रखते हैं। जो पढ़े लिखे लोग भी हैं बैंक अकाउंट रखते भी हैं, तो सारा लोग क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड वाले सिस्टम में है नहीं। पॉइंट ऑफ सेल पर, जहाँ पर हर जगह आप छोटे छोटे सामान, जरूरत के सामान खरीदने जाते हैं, वहाँ पर आपका मशीन नहीं है जिससे कि वो करें, वो लोग नहीं करते हैं। सारा सिस्टम को आप आज के डेट में देख रहे हैं, सारे लोग एक लाइन में खड़े हैं, पूरे इंडिया लाइन में खड़ी है। अगला इसका क्या फ़ायदा होगा, वो बात की बात, इमीडिएट जैसा इन्होंने बताया, इमीडिएट है, किसी के पास ज़्यादा पैसे, अनअकाउंटेड पैसे हैं तो वो उसको प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम का भी निदान अभी गवर्नमेंट खुद कर रही है, जैसा कि अभी आपने आज पेपर में पढ़ा होगा, गवर्नमेंट की स्कीम ला रही है, जो आप अनअकाउंटेड मनी है अपने मन से डिक्लेयर कर देंगे, 50% उसका वाइट हो जाएगा। हाँ, ये प्रोसेस इसीलिए हुआ है मेरी समझ से, क्योंकि एक तरफ डिमोनेटाइजेशन हुआ, लोगों के पास पैसे पड़े हुए हैं, कैसे डिक्लेयर कराएं, क्या सज़ा होगी नहीं होगी, एक क्योंकि इससे पहले जमनेस्टी स्कीम निकला था, बहुत ज़्यादा पैसे उसमें नहीं आए, अब इससे जिसके पास पैसे हैं वो फोर्स हो जाएंगे इस स्कीम में, किसी तरह से जो एक सो कॉल्ड एमनेस्टी स्कीम जिससे एक्ट में बदलाव करने के है, इसमें लोग पैसे देंगे, इसमें पैसे देंगे। तो परेशानी जो लोगों को हो रही है, पूरे इंडिया के हर लोगों को हो रही है, हमको, आपको, स्टूडेंट्स को, हर लोगों को परेशानी हो रही है, लाइन में लग रहे हैं। चलिए, लाइन में लगने की हुई कोई बात नहीं है, पैसे भी नहीं मिल रहे हैं बैंक में, ये फैक्ट है कि बैंक में घंटे दो घंटे के अंदर उसका कैश खत्म हो जाता है, लोग सुबह से शाम लाइन में रहते हैं, कैश खत्म हो जाता है।
अपना पैसा खुद निकालने के लिए। और जहाँ तक ये बात है ब्लैक को व्हाइट करने का, तो आपने खुद देखा है काफ़ी लोग जनधन योजना में काफ़ी करोड़ों करोड़ों आ गए हैं, किसी न किसी के पैसे आ गए हैं। उसकी बात की बात है, जो उसका कैसे अकाउंटिंग होगा, उसके पास पैसे कैसे आएंगे, वो बात की बात है। और गवर्नमेंट की तरफ से ये अनाउंसमेंट हुआ था 2.5 लाख तक हम टच नहीं करेंगे, 2.5 लाख की मान करके, चूँकि इनकम टैक्स का स्लैब लिमिट है, 2.5 लाख तक इनकम के बाद इनकम तक उसको इनकम टैक्स देना नहीं पड़ता है, तो हर के अकाउंट में 2 लाख 2.5 लाख जमा हो जाएंगे, वो अलग की बात है। उसको करोड़ों करोड़ लोगों को कैसे आप पूछेंगे जो आपके पास अकाउंट में कैसे पैसे आए हैं। तो यदि ब्लैक मनी को कंट्रोल करना था तो एक डिमोनेटाइजेशन स्कीम के साथ पहले ही आपको, जैसे आपके पास दफ्तर डिपार्टमेंट है इनकम टैक्स के, आपको पता है कितने लोग 10% 5% के पास ही ब्लैक मनी ज़्यादा होंगे, उसको पीछे पड़ के उसके साथ सख्ती करके उनका सारे सोर्सेज जान करके वो करते। और जैसा इन लोगों ने कहा है जो नक्सलिज्म, और आपको जैसे मैं मुझको जैसे झारखंड में नक्सलिज्म है और जगह नक्सलिज्म है, वो पैसे है। पैसे कहाँ से आते हैं उनके पैसे? आपको पता होगा जो असम में है जोगरवादी लोग हैं, जितने डिपार्टमेंट के हैं, जितने नौकरी करने के साथ, उनसे पर मंथ पेमेंट लेते हैं, दफ्तर डिपार्टमेंट ही एक तरह का कट उनको पर मंथ दे देता है ताकि वो शांति से रह पाए। तो उनको यदि आप बौखलाहट हो गई है तो कल से और जो जो सिविल के लोग हैं उनको परेशान करना शुरू करें और लोग परेशान करें, ये परेशानी ही बढ़ सकती है यदि हम उसको टाइमली उस पर कर्म नहीं करें। तो डीमोनेटाइजेशन एक सोच करके जो ब्लैक मनी हम कम करेंगे तो ठीक है, ब्लैक मनी से कम होता अच्छी बात है, आगे क्या होगा, बट आज के डेट में परेशानी का और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जैसा सारे इकोनॉमिस्ट बता रहे हैं, तो सारा काम ऑलमोस्ट ठप हो रहा है। जो फैक्ट्री वाले हैं उनके वर्कर्स आज के डेट में हर लोग पेमेंट कैश से करते थे, उनका पेमेंट ही इतना होता था जो उनके परिवार का जीवन यापन उसी में गुजारा होता था, उनके पास रखने को पैसे नहीं थे, उसी अकाउंट को 10,000 हुआ या 5,000 हुआ या 8,000 हुआ उसमें बैंक में जमा करेंगे, जमा करने में परेशानी और फिर उसको निकालने में कुछ परेशानी यही अभी है। तो इसका इफेक्ट पूरा क्या होगा आगे ही कह सकते हैं, यदि ब्लैक मनी का कर्व हो गया इससे, टेररिज्म का कर्व हो गया इससे, काउंटरफीट नोट इससे से मुक्ति पा लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। काफ़ी हद तक सर आपकी बात सही है, हम प्रश्न उत्तर के राउंड में आपके पास फिर से एक बार आएंगे इस पर और चर्चा करने के लिए। भारत की अर्थव्यवस्था जो हमारी नोटबंदी है, नोटबंदी का इकोनॉमी पे क्या असर पड़ रहा है, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? सी डीमोनेटाइजेशन जो एक इकोनॉमिक टर्म है उसको हम जनरली यूज़ तब करते हैं जब हमें कि कैश फ्लश कर देना होता है इकोनॉमी से, या फ्लशिंग आउट या क्लींजिंग ऑफ द इकोनॉमी इसको टर्म दिया जाता है, क्योंकि जब आप करेंसी बंद कर देंगे सो पीपल विल नॉट बी एबल टू एक्सपेंड, जब स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं तो उनको जो नोट आपने बंदी कर दिए गए हैं तो आप या तो उसको कैश दे देंगे बैंक में जमा कर देंगे या आप उसको एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे, सो आपने एक तरफ से रोकथाम कर दिया। इसको हम एक लेवल पे नहीं देख सकते, इसको हम माइक्रो एंड मैक्रो लेवल पे देखेंगे। सी जब हम कैश बंद कर देते हैं तो दो तीन चीज़ें हमारे सामने आ जाती है, लिक्विडिटी क्रंच आ जाएगा आपके पास होल्डिंग ऑफ मनी होगी लेकिन आप खर्च नहीं कर पाएंगे, उसके बाद आपके ATMs की प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, आपके पास आपके कंज्यूमर डबल गुड्स नहीं बेचेंगे, आपका GDP रेट कम आ जाएगा, लेकिन क्या ये दीज आर ऑल शॉर्ट टर्म्स यू नो प्रॉब्लम्स विच द इकोनॉमी कैन फेस, इज अ शेकिंग ऑफ द इकोनॉमी जिसको हम टर्म देते हैं इकोनॉमी में कि ये शॉर्ट टर्म के लिए है। तो ये माइक्रो लेवल में परेशानी हो रही है, अगर हम सर्जिकल स्ट्राइक या सर्जरी की ही बात करूं तो अगर आपके एक हाथ में कोई प्रॉब्लम आई है, कुछ हुआ है, अगर आप उसके ऑपरेशन करेंगे या उसमें से कुछ निकालेंगे तो थोड़े दिन के लिए आपको इनकन्वीनियंस तो होगा लेकिन लॉन्ग रन में डेफिनेटली आप हील अप हो जाएंगे और बेटर परफॉर्मेंस करेंगे। तो अगर हम मैक्रो में लेवल में देखेंगे इसको तो एज अ इंडिया एज अ होल देखेंगे जो ये इनकन्वीनियंस हो रही है, अब कितना, अब एवरीबडी इज इन द स्पेकुलेशन की ब्लैक मनी सिर्फ क्या कैश में ही थी, ब्लैक मनी तो गोल्ड में भी होती है, ब्लैक मनी रियल एस्टेट में भी होती है, ब्लैक मनी इससे भी होता है, लेकिन दिस इज वन ऑफ द स्टेप टूवर्ड्स यू नो स्टॉपिंग ब्लैक मनी फेक करेंसी एंड दिस इज वन ऑफ द स्टेप डिमोनेटाइजेशन जिससे कि हम ये सब चीजें रोक सकते हैं, दिस इज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स दिस एंड डेफिनेटली इन लॉन्ग टर्म द इकोनॉमी विल शूट अप। राइट नाउ GDP रेट हमारा कम हो गया है बिकॉज हमारी कंज्यूमर ड्यूरेबिलिटी हम बेच नहीं पा रहे क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है, हम उसको खर्च नहीं कर पा रहे, तो दीज आर ऑल शॉर्ट टर्म थिंग्स विच द इनकन्वीनियंस द इकोनॉमी इज फेसिंग। एनी चेंज इन द इकोनॉमी इनकन्वीनियंस विल बी कॉस्ट, बट
ये तो एक तरह हो गया कि थोड़ी सी दर्द है उसको हम देर देर तक सालों भर साल सहते रहे, या एक बार में थोड़ी इनकन्वीनियंस है और हम उसको बेटर रिजल्ट में देखें। सो एज अ इकोनॉमिस्ट आई विल से दिस इनकन्वीनियंस आर फॉर द शॉर्ट टर्म लिव एंड इट इज अ माइक्रो लेवल। इन अ मैक्रो लेवल डेफिनेटली we will be thinking of better. Definitely when we do operation or we do anything, हम यही सोच के करते हैं ना कि हमारा ये अच्छा होगा, पहले से better economy होगी, तो यही सोच हमें अभी भी रखनी चाहिए and we should bear with the inconvenience which has been caused in the economy and see for a sunrise India again. Supporting Madam Chandrani, that it is a V-shaped type of situation at this current, at this juncture. यानी पहले GDP growth थोड़ा down जाएगी, inconveniences बढ़ेंगे, but after 2 months or so, as the economists say, it will go up again. Malthus एक बहुत बड़े economist हुए हैं, उनका कहना था कि हर 25 साल में जनसंख्या दुगनी हो जाती है. जब सन 78 में demonetization हुआ तो 10,000 5,000 के नोटों का हुआ, जनसंख्या को पता भी नहीं लगा. हम लोगों को तो कई दिनों बाद पता लगा कि डीमोनेटाइजेशन हुआ, यानी उसका कोई असर ही नहीं था. लोगों के पास उस वक्त 10,000 5,000 के नोट भी नहीं होते थे. आज तो जो है लेबर के पास 500 रुपये 1,000 रुपये के नोट काफ़ी सारे मिल जाएंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से, डियरनेस की वजह से और गवर्नमेंट स्केल्स के हिसाब से जो है लोगों की इकोनॉमी बढ़ी. मगर उस वक्त जनसंख्या भी इतनी कम थी कि डीमोनेटाइजेशन की प्रॉब्लम बहुत बड़ी नहीं लगी. आज की डेट में उन दिनों से 36 वर्ष ज़्यादा हो गए हैं, इन 36 वर्षों में जनसंख्या डबल हो गई है, तो जनसंख्या की प्रॉब्लम्स भी डबल हो गई हैं, सबकी प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं. मगर ये वी शेप प्रॉब्लम है, अभी थोड़ा डाउन जाएगी, इनकन्वीनियंस ज़्यादा होंगी, इकोनॉमी लोअर ऐप पर आएगी, मगर फिर 2 महीने बाद ये उठेगी, क्योंकि इसके अच्छे नतीजे आएंगे. ब्लैक मनी डेफिनेटली कर्व होगा, 17 लाख करोड़ रुपयों में से 2,000 और 500 के नोट 86% थे, तो जो अब बंद हो जाएंगे. मगर 100 रुपये के नोट चल रहे हैं, 50 रुपये के नोट चल रहे हैं, 10-20 के नोट चल रहे हैं, 5 रुपये का भी चल रहा है. 500 का जो नया नोट आया है, एक लाइटर साइड में है, जो 500 का नया नोट आया है वो पुराने 5 रुपये के नोट के बराबर है और वैसा ही दिखता भी है. अगर धोखा हो गया तो आप उस 500 के नोट को 5 रुपये में चला दोगे. तो क्या है कि ये जैसा मैडम चंद्रानी का व्यू है, ये शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स हैं, ये प्रॉब्लम्स हमेशा के लिए नहीं टिकती हैं. और एक पुरानी कहावत है हिंदी की कि हर आंधी का अंत होता है और हर समस्या का निदान होता है. तो इस आंधी का जो ये डिमोनेटाइजेशन की वजह से आई है लोगों की समस्याओं के रूप में, इसका अंत जल्दी ही होगा और इसके जो नतीजे अच्छे हैं वो हमें मिलेंगे और हमारी इकोनॉमी बेहतर होगी. आप ये देखिए कि इस वक्त जो है ज़रूर थोड़ा सा दिक्कत हुई है एग्रीकल्चर फील्ड में, जो है फार्मर्स को कैश नहीं है, मगर गवर्नमेंट ने कितनी अच्छी स्कीमें चलाई हैं कि आप बैंक में जाइए, अपने अकाउंट से पैसा लीजिए, 2,000 रुपये लीजिए. लगता है 2,000 रुपये क्या है, आप गांव में जाइए, गांव वालों के लिए, फार्मर्स के लिए 2,000 रुपये बहुत हैं. एक दिन में 2,000 रुपये अपने बैंक अकाउंट से वो भी क्रेडिट पे निकाल लेंगे, यानी डेबिट करके निकाल लेंगे, उनका पैसा नहीं है फिर भी डेबिट करके पैसा निकाल लेंगे. कितनी बड़ी अच्छी सुविधाएँ हैं, आजकल बीज उससे खरीद सकते हैं, खाद खरीद सकते हैं. लेकिन सर ये वही किसान हैं, जब ये किसान अपने जो इन्होंने फसल उगाई है, जब मंडी में ये किसान अपनी फसल को बेचने जा रहे हैं तो मंडी में लोगों के पास खरीदने के लिए पैसा नहीं है. ये ऐसे दौर में ये कहाँ अपनी फसल को जाके बेचें. कुछ किसान ऐसे भी आ रहे हैं जो बाटर के जरिए अपना काम चला रहे हैं, चावल दे रहे हैं, रोटी ले रहे हैं, रोटी दे रहे हैं, दाल ले रहे हैं. बहुत अच्छी व्यवस्था है. पहले ज़माने में तो जब करेंसी नहीं थी तो बार्टर सिस्टम था, लोग एक्सचेंज करके लेते थे. आप राइस ज़्यादा उगाते हैं, मैं गेहूं ज़्यादा उगाता हूं, हम लोग एक्सचेंज करते थे, बार्टर. तो इट वाज द बेस्ट इकोनॉमी. तो आप क्या समझ रहे हैं, बार्टर सिस्टम में फिर जाना चाहिए? नो, बार्टर सिस्टम तो इट हैज़ ऑलवेज रिमेंड इन वोग एंड इट विल कंटिन्यू टू बी इन वोग. और जो आपने कहा कि मंडी में पैसा नहीं है,
ये एक एम्प्लीफाई की हुई चीज़ है, ऐसी बात नहीं है। मंडी में खूब पैसा है और जो जो ट्रेडर्स हैं उनका खाता चलता है उधार। जैसे गुड़ कोई आज की ज़माने में लाया, आज की डेट में कोई गुड़ लाया, से एक क्विंटल गुड़ लाया, तो वो दो क्विंटल अपना गेहूँ खरीद के ले जाएगा, बड़े आराम से ही हो रहा है। इकोनॉमी में हम जनरली जब इंडियन इकोनॉमी पढ़ाते हैं तो हम पढ़ाते हैं बच्चों को इतना हुंडीज, कहीं वहाँ कैश ट्रांजेक्शन्स नहीं होते हैं, हुंडीज चलते हैं, दे आर स्लिप्स रिटन बाई एवरीबडी कि इतना पैसा मुझे तुम्हें देना है, इतना पैसा, दीज आर द स्लिप्स केप्ट बाई देम एंड उससे भी ट्रांजेक्शन होता है। तो पैसे के कम होने से या पैसे के ना होने से ट्रांजेक्शन नहीं हो रहे हैं, दैट्स अ मिथ, इट कैन नॉट हैपन लाइक दैट। और इकोनॉमी में ऐसा हो नहीं सकता, एंड इट नेवर हैपेंड। और वैसे भी वहाँ ट्रांजेक्शन आज के टाइम में नहीं, आप बहुत छोटी बात कर रहे हैं, बहुत छोटे, हम लोग यहाँ कितना कैश में हम लोग लेते हैं सामान, आपने देखा है, अगर मैं मोदी की दुकान में जाऊँ तो आधी से ज़्यादा जनता तो वहाँ पे उधार पे चलती है काम, उनका खाता चलता रहता है हमेशा, और उसको भी बहुत अच्छी तरह से पता है, सबको पता है कि इस वक्त इसके बाद पैसा नहीं है, ना वो मांग रहा है क्योंकि वो सामान दे रहा है, क्योंकि उसको पता है जब पैसा आ जाएगा तो दे दिया जाएगा। आम आदमी, गरीब आदमी जो इस वक्त बैंक की लाइनों में लगा हुआ है, ये नोटबंदी उसके लिए अच्छे दिन कैसे लाएगी? आम आदमी अगर बैंकों के लाइन में लगा हुआ है तो एक दिन में वो कितना खर्च कर रहा है, और इतना बैंक के लाइन में लगने की जरूरत ही क्या है, और इतना पैनिक करने की जरूरत क्या है? आई मीन एक दिन में क्या आप आम आदमी जो अगर मैं कह रही हूँ उसकी इनकम ही इतनी नहीं है, वो 2000 रुपए खर्च कर लेगा एक दिन के? मैम लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, ऐसे में दैट इज अगेन एम्प्लीफाइड, इट इज नॉट लाइक दैट। लोगों को ये कह रहे हैं कि मोबाइल बैंकिंग करिए, मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग करिए, नेट का खर्चा और मोबाइल का खर्चा खाना झेल, जो लोग नहीं झेल सकते वो कैसे झेलेंगे? और हर किसी को नहीं बोला जा रहा, दैट इज ऑल्सो अ टर्म नोन एज चेंजिंग पैटर्न, बिहेवियर चेंजिंग पैटर्न बोलते हैं इसको इकोनॉमी में। इससे पहले तो लोगों को ATM भी नहीं यूज करना आता था, इससे पहले बैंक भी नहीं यूज करना आता था, जब से आप हमारे प्राइम मिनिस्टर बोले जा रहे हैं कि आप खाता खोलिए जन, इसमें अब बैंक अकाउंट खोलिए, फिर आधार से उसको लिंक कीजिए, इट हैज बीन सेट फॉर सो लॉन्गर टाइम। उसके पहले उन्होंने ये भी बोला कि आप अपना टैक्स पे कर दीजिए, आपको कुछ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, दैट हैज बीन टोल्ड फॉर द सच अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इफ पीपल आर नॉट लिसनिंग टू इट, दैट इज देयर प्रॉब्लम, एंड फॉर दैट वी विल नॉट टेक एन एक्शन, दैट वुड बी देन आवर प्रॉब्लम। ये चीज जो है लंबी लाइन वाली, ये भी बहुत एम्प्लीफाई हो रही है। जो लोग, जिनके पास ब्लैक मनी था, लाखों करोड़ों था, वो लेबर्स एंगेज करके ऑन पेमेंट लाइन में खड़ा करते हैं उनको पैसा दे के कि भाई आपको हम शाम तक का जो है 400 रुपया देंगे, आप हमारे 2000 जो ब्लैक मनी है उसको कैश करके ले आइए। तो इस तरीके की ये है, जहाँ कोई सिस्टम नया आता है उसमें लूपहोल्स होते हैं, और हमारे जो ह्यूमन ब्रेन जो है ये सबसे ज़्यादा फर्टाइल होता है, तो वो एकदम लूप होल्स को टैप करता है और उसमें जो है अपनी जो इंटेलिजेंस है शो करता है। बहुत सारे लोग जो हैं, लाखों की तादाद में लोग जो हैं, लेबर्स को एंगेज करके डेली वेजेस दे के लंबी लंबी कतारों में खड़ा करके अपने धन को वाइट करा रहे हैं, ये भी बात है। देयर इज अनदर एस्पेक्ट टू योर क्वेश्चन, ये हम डिनाई नहीं कर सकते कि जो डेली वेज लेबरर्स हैं, या जैसे हमारे घरों में माई आके काम करती है, सफाई वाले हैं, इन सबको बहुत परेशानी हो रही है, बहुत ही हो रही है, इट कैन नॉट बी डिनाइड। आई नीडेड टू हैव शेव, आई मीन अ बियर ट्रिम, आई डिडंट हैव दैट एक्स्ट्रा 300 रुपीज, बिकॉज विद ओनली अ फ्यू लिमिटेड नोट्स इन माई पॉकेट I thought, let me prioritize. मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने वो 300 रुपये प्रायोरिटाइज किए। इसी तरीके से हमें फोर्सफुली समझना पड़ रहा है हाउ टू प्रायोरिटाइज। However, since I do a lot of work with disability also, many years ago, there is a place called Purulia. एंड वहाँ पे एक लेप्रेसी का बेल्ट है, लॉट ऑफ पीपल देयर हैव लेप्रेसी, एंड देयर इज़ अ कॉलोनी ऑफ दोज हु हैव लेप्रेसी इन अ लिटिल आइलैंड। वहाँ पे थोड़ा वो वेस्ट बंगाल में है तो पानी काफ़ी है, यू हैव टू क्रॉस सॉर्ट ऑफ अ लेक, आई वोंट से रिवर बट लाइक विद इन अ लेक। सो व्हेन आई वेंट देयर, आई वॉज देन विद द गवर्नमेंट एज अ सीनियर ऑफिसर, आई सेड व्हाट आर योर प्रॉब्लम्स,
that we can address. So they were all Bengalis. In one voice they said, Tel Nun Shaban. That means cooking oil, salt for food and soap for bathing. My question to them was only one. I said, this is not a problem related to your being a person afflicted with leprosy. This is a problem of poverty. It's the same problem on the other side of the lake. Similarly, this not having money for everyday food, etc., it is a problem of those whom the government in all its years of independence, it hasn't addressed their problems. We haven't done enough in our country or as a society to ensure food to everybody. Demonetization has only brought into sharp focus the lack of social conscience that Indian planning commissions have shown so far. So it is actually a wake-up call. Undoubtedly, there are maybe hundreds of thousands who are having difficulty with their food. There are occasions where people have sold off belongings for 1/10 of the price for food. There are occasions when children have not been treated at hospitals. This is not indicative of the economy of the country. This is indicative of the bad social systems of the country. So while we are technically talking about demonetization, but demonetization brings into sharp focus all those factors that dominate our life, influence our life, and add to either the good quality or the bad quality of life. So demonetization is also a wake-up call for our planning system. How do you plan better health services, better public distribution services? Everything is in place. Koi kaam hi nahi karta. Just to share an example, Jha sahab, because you at this point of time represent the bureaucracy. 3 days ago, a friend of mine came to me and said, my mother is very unwell. You're a Bengali. She says, help him buy me some fish that I can eat. So there is an excellent fish shop called Gujarat Fisheries, run by the Gujarat government. So we went and bought fish worth 760 rupees and gave a 2000 rupee note which we had taken from the ATM. Usne kaha, main kya 2000 rupee todunga 760 rupee ke liye, aap change lao. Maine kaha, yaar, my father used to buy from your shop, I buy from this shop, change de do. He just couldn't care anything. Kyunki uski pakki naukri hai. However, I went next door to a chicken shop, where also I go for donkey's ears. But whatever we wanted, a chicken, was only 200 rupees. So the cashier said, sir, 2000 mein 200 dunga. Thoda sa aur khareed lijiye. Itne mein malik aa gaya, kehte hai, are, आप जानते नहीं हो साहब तो हमारे से 20 साल से खेल ले रहे हैं अब चेंज दे दो. लुक एट द डिफरेंस इन एटीट्यूड द गवर्नमेंट सर्वेंट एंड द प्राइवेट सर्वेंट. सिमिलरली डीमोनेटाइजेशन इज अ वेकअप कॉल टू ऑल आवर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस दैट बिकम सर्विस ओरिएंटेड. इट इज अ बिग जोक व्हेन आई डिड माय पॉलिटिकल साइंस पब्लिक सर्वेंट. ना तो वो पब्लिक है, मैं भी सीनियर ऑफिसर रहा हूँ, आई नो झा साहब डजंट कम इन दिस कैटेगरी. माई सेक्रेटरी केम एंड टोल्ड मी, सर आप ऑफिस के डिसिप्लिन खराब कर रहे हो, जो आते हैं आप उनको अंदर आने देते हो. बिकॉज द लोअर ब्यूरोक्रेसी फील्स कि उसकी तड़ी यही है. एंड ये जो तड़ी वाली बात है, डीमोनेटाइजेशन इज गोइंग टू चेंज दैट. आई गिव यू अ स्मॉल एग्जाम्पल फ्रॉम आवर कॉलेज. One day, our vice chairman, our director general and I, we were waiting for a particular officer who had to visit us. And we were looking at
कि वो इतनी पंक्चुअल है, लेट कैसे हो गई? सडनली इन 10 मिनट्स टाइम द डोर बार्ज्ड ओपन एंड दैट लेडी वॉज देयर. आई सेड क्या हो गया, एंड शी वॉज फ्यूमिंग. वॉट वॉज द इशू? लोअर ब्यूरोक्रेसी, इन दिस केस द पियन. आप कैसे जा सकते हैं जी? डीजी सर, वाइस चेयरमैन सर, प्रिंसिपल सर की मीटिंग चल रही है, आपको मैं कैसे अंदर जाने दूं? अरे झा साहब, हम तो बैठे हैं उनको रिसीव करने. द लोअर ब्यूरोक्रेसी एंड द लोअर लेवल्स इन एवरीथिंग, दुकानदार हो, हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, दुकान हो, जहां भी हो, उनकी एजुकेशन की ये वेकअप कॉल है. दिस इज अदर देन द प्योर मॉनिटरी पार्ट ऑफ इट. जी, प्लानिंग कमीशन को अगर अब तक नहीं तो अब जागरूक होना चाहिए, ये कह रहे हैं आप? प्लानिंग कमीशन तो रहा ही नहीं, नीति आयोग, नीति आयोग जागरूक हो. इसके अलावा देखिए, जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, एसबीआई की चेयरमैन है मिसेस भट्टाचार्य, उसने इस पॉलिसी की तारीफ की है. ये बात जरूर है कि आज की डेट में अगर कोई ट्रेड वर्ल्ड में फ्लोरिश कर रहा है इस डीमोनेटाइजेशन से, तो वो बैंक्स हैं, क्योंकि बैंक्स के पास खूब पैसा आ रहा है. मगर वो कोई ऐसा नहीं है कि वो अपना उनका हो, उनके खाते में है, उसी को वो लोन में देंगे, लोगों को उधार देंगे, उसी को वो एक्सचेंज में भी दे रहे हैं, उसी को रोज़मर्रा के जो ATMs हैं उसमें भरते हैं, तो ऐसा नहीं है. मगर एक SBI का बहुत बड़ा बैंक है, उसके पास बहुत बड़ी इकोनॉमी को कवर करने का एक जुरिसडिक्शन है. उनके जो चेयरमैन हैं भट्टाचार्य, मिसेस भट्टाचार्य, उन्होंने इस पॉलिसी की खुले दिल से तारीफ की है. चंद्रा कोचर जो हैं ICICI की MD हैं, उन्होंने कहा है कि ये अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी था, और इससे इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ बाउंड टू अकर. और तो और, हमारे जितने भी अक्रॉस द वर्ल्ड अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं, जो स्वीडन की गवर्नमेंट हैं, उन्होंने इसकी तारीफ की है. और तो और, पाकिस्तान के इमरान खान जो वहाँ अपोजिशन लीडर हैं, तो उन्होंने कहा कि साहब, मोदी जी ने कम से कम एक बहुत सराहनीय कदम तो उठाया. हमारे जो है ये प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ क्यों नहीं ऐसे कदम उठाते? क्यों, कैसे टेररिज्म पनप रहा है? क्योंकि टेररिज्म के वो भी शिकार हैं, जो भोली भाली जनता पाकिस्तान है, पाकिस्तान में है, वो भी टेररिज्म के शिकार हैं. टेररिज्मों के पास इतनी हथियार महंगे आते हैं, एक एक AK-47 गन कई कई लाख रुपये की आती है, 15-15, 17-17 लाख रुपये की, कहाँ से उनके पास पैसा आता है? तो अगर इस तरीके से नहीं उस काले धन के उपयोग को या टेररिज्म को जो एड मिलती है, जहाँ से भी मिलती है, उसको अगर बंद नहीं किया जाएगा, तो ऐसे ही हम लोग जो है टेररिज्म के शिकार होते रहेंगे, और हमारी जनता भोली भाली, हमारे आर्मी के पर्सनल, वो सब आजकल कैजुअल्टीज होती रहती हैं. तो हमें लॉन्ग टर्म में देखना चाहिए, छोटे टर्म में नहीं देखना चाहिए. आगे की व्यवस्था अच्छी होगी, सब अच्छी होगी, ऐसे टर्म में हमें सोचना चाहिए. हमारी सोच जो है वो ऊंची होनी चाहिए, एक फोरसाइटेडनेस हम में होनी चाहिए. आदमी पेड़ लगाता है, आम का पेड़ बोता है, 5-6 साल तो उस पर कुछ आता ही नहीं, उसकी सेवा करनी पड़ती है, और 5-6 साल बाद मगर जब वो आम देने लगता है, तो लोग आम खाते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, किसी ने इतना अच्छा मीठा आम लगाया. गुलाब का फ्लावर होता है, 9 महीने तक वो सेवा कराता है, गुलाब का प्लांट, कुछ नहीं आता उस पर, मगर जब आता है तो वो कितनी खुशियां भर देता है, कितनी अच्छी खुशबू आती है उसकी, हैं? तो कुछ जो है, जब आप इन्वेस्ट करेंगे तभी उसका डिविडेंड भी मिलेगा. इसलिए इसको ऊंची सोच के साथ देखा जाए, फोरसाइटेडनेस के साथ देखा जाए. कह रहे हैं कि लोगों को सब्र रखना चाहिए, लेकिन ऐसे में क्या आप ये बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि जो सरकार ने कदम उठा, रातों रात 8 बजे, 8 नवंबर को 8 बजे कदम ले लिया गया, ये कितना प्लान्ड था, और इसको किस तरीके से और प्लान्ड बनाया जा सकता था? वही बात, मेन वही इशू है. डिमोनेटाइजेशन से फ़ायदे होंगे, आगे कितना होंगे समय बताएगा, मगर डिमोनेटाइजेशन के साथ साथ आपको यदि पता था करेंसी 86% सर्कुलेशन में है हाई डिनोमिनेशन के, तो लोअर करेंसी 100 रुपये, 50 रुपये के नोटों की तादाद ज़्यादा होनी चाहिए थी, या प्रिंटिंग भी 500 का होना चाहिए थोड़ा सा. तो ये मारामारी जो हो रहा है अभी,
ठीक है, ब्लैक मनी का कितना कन्वर्सन होगा नहीं होगा, उसमें कितना होता नहीं होता, ये कहना कठिन था। मगर ये जो परेशानी लोगों को हो रही है, आप 500 का सर्कुलेशन कर देते, जैसा इन्होंने बताया 2000 के सर्कुलेशन से फ़ायदा नहीं हो रहा। यदि आपको हाई डिनोमिनेशन करना था, लोग ब्लैक 1000 रुपये 500 रुपये रखते हैं तो 2000 तो और आसानी से रखेंगे, 2000 तो और आसानी से हो गए। जब 1 लाख का गड्डी रखता था, अब 2 लाख के एक उसमें आ जाएंगे और आसानी से हो जाएंगे। 2 लाख का प्रिंटिंग जरूरी नहीं था, आप 500 का प्रिंटिंग करते या 100 का या 50 का ज़्यादा प्रिंटिंग करके रखते, उस सर्कुलेशन में रहता, उसको प्रिंटिंग में कोई दिक्कत नहीं थी। वो ताकि लोगों को जो भी कैश क्रंच हो रहा वो नहीं होता, कैश क्रंच के कारण सारे परेशानी हो रही है। लोग सब्र कर रहे हैं, ठीक, जो आगे भविष्य अच्छा होगा, सब लोग परेशानी, जैसे बताया परेशानी होती है, लोग सोचते परेशानी टल जाएगी, जैसे उनका आंधी है तो आंधी भी ख़त्म हो जाएगी, मगर ये इस तरह की परेशानी क्या लाना वाजिब था। डिमोनेटाइजेशन आप कर रहे हैं, मगर उसको प्लानिंग सही करते आप बैंक के नंबर। प्लानिंग में जो है 5% 10% की हम ये मान सकते हैं कि कमी रह गई हो, मगर आप ये तो देखें हिंदुस्तान कितना बड़ा देश है, कितनी जनसंख्या है। 6 महीने से गवर्नमेंट और RBI की टकसालों में 2000 का नोट और बाकी नोट छप रहे थे, 500 के छप नहीं रहे थे, छप रहे थे। तो RBI गवर्नर ज्वाइन के सितंबर में, उनका सिग्नेचर पहले से नहीं हो सकता। हाँ नहीं, प्लानिंग 6 महीने पहले से चल रही थी, और जो अब आके पटेल साहब ने दस्तखत किए हैं वो भी, उनको भी करीब 2 महीने मेरे ख्याल हो गए थे, तो 2 महीने से वो रोज़ जो है 10-20 हज़ार लाख नोटों पे दस्तखत होते थे। वो तो उनके प्रिंट ही होता है, वो खुद तो बैठते नहीं थे। तो इसलिए जो है प्लानिंग हर चीज़ के लिए ज़रूरी हो रहा था, 6 महीने से चल भी रही थी, उसके लीकेज से भी खतरा था। अगर वास्ट स्केल पे लीक हो जाता तो सारे ब्लैक मार्केटियर, सारे ब्लैक मनी वाले लोग उसको जो एक्सचेंज कर लेते पहले ही कर लेते। और लोगों का ये आज क्रिटिसिज्म का एक मुद्दा भी बन रहा है कि सब जिन लोगों को पता लग गया, किसी वजह से पता लगा, गुजरात के किसी पेपर में आज से 6 महीने पहले छप गया कि नोट बंद होने वाले हैं, जागरण में छप गया था यहीं करीब जो है 1-1.5 महीना पहले, आपके NCR रीजन में छप गया था कि सब नोटों की बंदी हो सकती है। मगर वो सब कयास था उस वक्त, कयास था या यूं कहिए कि गवर्नमेंट ने उसको नज़रअंदाज किया, उसको ज़्यादा भाव नहीं दिया, ताकि लीकेज ज़्यादा होने से उसका एक उनकी जो स्कीम आ रही थी उसका फ्रस्ट्रेशन ना हो जाए। तो यह है कि प्लानिंग में थोड़ी बहुत कमी हो सकती है, मगर भारत जैसे एक वास्ट कंट्री के लिए जहाँ इतने रिलीजन्स हैं, इतनी कम्युनिटीज़ हैं, इतनी कास्ट हैं, और जनसंख्या की पॉपुलेशन की नंबर देखिए कितनी है, इसको मनी उपलब्ध कराना एक बहुत बड़ी अपने आप में एक एक्सरसाइज है। मैंने देखा है उसको स्टेप लेने के लिए रोज़ गवर्नमेंट कुछ ना कुछ कदम उठाती है। अभी मैं 3-4 दिन से दिल्ली के तरफ गया हूँ तो मोबाइल वैन मैंने देखी पंजाब नेशनल बैंक की, जगह जगह खड़ी हो रही हैं, पैसे लोगों को बांट रहे हैं, ATM लगा हुआ है, और दूसरे बैंक्स भी जो है ऐसे आए तो समस्या का और जल्दी निदान होगा। मगर हमें इनका रिजोल्यूशन सोचना है, उनको समस्याओं को बढ़ाना नहीं है, अफवाहें नहीं बढ़ानी है, ताकि समाज में जो है कोई डिससेटिस्फेक्शन ना हो जाए। धीरे धीरे सेटिस्फेक्शन होगा, जैसा मैंने पहले भी कहा, ये इकोनॉमी में ग्रोथ आएगी, डेफिनेटली आएगी, इसके अच्छे नतीजे होंगे, और ट्रेडर्स भी जो है वो जो है इसका फ़ायदा उठाएंगे। आप देखिए बहुत लोगों ने जो है पहले से ही जब ये जानते थे प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट किया था, अब आज की डेट में हम लोग सुन रहे हैं कि प्रॉपर्टी में भी जो है कुछ ना कुछ बैन लगने वाला है, जो बेनामी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सब बंद हो जाएंगे। तो आज की डेट में हम सोच रहे हैं अरे ये तो र्यूमर है, मगर हो सकता है 1 महीने 2 महीने या 6 महीने बाद ये आ जाए कि जितनी बेनामी प्रॉपर्टी हैं सब इलीगल है, जिसके नाम में है उसकी। और हुआ था जब UP में ज़मींदारी अबोलिशन हुआ 1951 में, भारत देश आज़ाद होने के बाद बड़े बड़े फार्मर्स थे जिन्हें हम लोग लैंडलॉर्ड्स बोलते थे, किसी के पास 2000 एकड़, किसी के पास 5000 एकड़, सबके जो सिरदार यानी जो खेतीहर मजदूर थे, जो किसान थे, कह दिया जो 6 साल से सिरदार बना हुआ खेती को जोत रहा है बो रहा है उसी की है, उसे थोड़ा सा लगान देना पड़ेगा, थोड़ी सी उसे फीस देनी पड़ेगी,
फीस दे के वो मालिक बन गए थे। तो ऐसे ही हो सकता है अब भी जो है ये स्कीम लागू कर दी जाए, और जो आज की डेट में रियल्टी रियल इस्टेट में कितना बड़ा कितनी बंगलिंग हो रही है, अलॉटीज़ का पैसा होता है उनको मकान नहीं देते हैं, दूसरी स्कीम्स में लगा देते हैं, लैंड खरीद लेते हैं, हज़ारों करोड़ की लैंड खरीद देते, फ्लैट्स वहीं बने पड़े हैं, आधे में ही लटके हुए हैं। जेपी जैसे बड़े ग्रुप में 6-6 साल हो गए पैसा लिए लोगों का, और आज की डेट में उनका पोजीशन नहीं दे पा रहे हैं। तो कुछ तो लगाम आएगी, कहीं रियल इस्टेट पे भी लगाम लगेगी। डीमोनेटाइजेशन जो है इसको चारों तरफ से सोचिए, एक छोटा सा नैरो हमको जो नहीं सोच करनी चाहिए कि साहब गरीब आदमी पिस रहा है, ये एक महज एक मिथ है कि गरीब आदमी पिस रहा है। गरीब आदमी को जैसा मैडम चंद्रानी ने बताया, अगर उसकी आप उसकी पैसा सुबह से शाम खर्च करने का देखें, अगर लेबर की बात करें तो सुबह से शाम 500 रुपया कमाता है, तो 500 की तो उसकी तकलीफ है। ये तो नहीं कह सकते थे साहब जो है उसको 2000 चाहिए थे 4000 चाहिए, वो जाके बैंक की लाइन में खड़ा होता है 2000 रुपया फिर भी बदल लाता है अगर उसके पास पैसा जमा है तो, और रियल एस्टेट में काम चल रहा है। तो ऐसा है, इसको अप्रिशिएट ज़्यादा करना है, इसको क्रिटिसाइज़ कम करना है, और समस्याओं के स्टेप्स लेने हैं कि कैसे वो दूर हों। गवर्नमेंट आए दिन, अभी जैसे आज के पेपर्स में ही है कि भाई फिर लोगों को ये छूट दे दी है जिनके पास ब्लैक मनी है कि वो चाहें तो 50% टैक्स भर के 50% को अपना वाइट कर सकते हैं, और 25% जो है वो 4 साल के लिए गरीब लॉकिंग पीरियड है गरीब योजना में लगाया जा सकता है। तो गवर्नमेंट आए दिन समस्याओं से जूझ रही है, हमें गवर्नमेंट को एक जिसे कहना चाहिए हेल्पिंग हैंड देना चाहिए। आई विल यू नो एड ऑन टू सर, बिकॉज सी हमारे इंडिया में क्रिटिसाइज़ करना या क्रिब करना यू नो दैट्स वन ऑफ द मेन पॉइंट्स। अगर सचिन भी क्रिकेट खेल रहा होता है तो हम उसको भी कह देते कि ऐसे नहीं ऐसे बैट मारना चाहिए था। सो प्लानिंग में ये कमी रह गई है या प्लानिंग ऐसे होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए, दैट कुड बी क्रिटिसाइज इन एनी टाइम। सी इफ़ वी आर गोइंग अहेड विद एनी प्रोजेक्ट, हम कोई भी हम शादी करते हैं प्रोजेक्ट करते हैं कोई भी काम करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ 5% का मार्जिन हम लेके ही चलते कि ऐसा हो सकता था ऐसा नहीं हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो बस जस्ट बस क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट फॉर ओनली 5% ऑफ फॉल्ट इज नॉट द मेन थिंग। अगेन आई अग्री विद हिम, वी नीड टू लुक एट अ bigger horizon, bigger way of looking at things, so that we can understand that why the government has taken this step. Exactly what my view is ki ye step uthaya hi kyun gaya hai. Hum shuru se hi poverty, inequality, parallel economy, shadow economy padhte ja rahe hain. कैसे हम इससे जूझेंगे? हमारा इकोनॉमी में कंट्रोल नहीं था, फेक करेंसी थी, हमारे जो फेक करेंसीज यूज़ किए जा रहे थे सारे इलीगल्स एंड काम के लिए माफियाज़ को दिए जा रहे थे, टेररिस्ट अटैक के लिए दिए जा रहे थे, होर्डिंग ऑफ मनी हो रही थी। अगर हम सर्कल ऑफ मनी और फ्लो ऑफ मनी पढ़ते हैं तो हमें बहुत अच्छी तरह से ये पता है कि जब तक इकोनॉमी में पैसा नहीं जाता है और इकोनॉमी चलती नहीं रहती है तब तक इकोनॉमी से पैसा आता नहीं है, उसकी जगह लगाने की जगह हम लेके बैठे हुए हैं। अगर वो पैसा हम इकोनॉमी में लगा देते, इतने सारे पैसे लोग जाके बोल रहे कि है, इनफैक्ट हाउसवाइफ के साथ 1.5-2 लाख रुपए निकल रहे हैं जो कमा भी नहीं रही हैं, उन्होंने रखा हुआ ये 1.5-2 लाख रुपए अगर उन्होंने इकोनॉमी में लगाया होता तो उसका रिटर्न बहुत ज़्यादा मिल सकता था उनको। दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट कि पैसा कभी ब्रीडिंग प्रोसेस में नहीं है कि आप पैसा 500 रुपए रखोगे घर में तो नेक्स्ट ईयर वो तुम्हें 2000 मिलेगा, ऐसा नहीं होता, इकोनॉमी में लगाना पड़ता है। एंड दैट द पीपल नीड टू अंडरस्टैंड इट and then only we can have a reform in the economy. मैम जैसा आप कह रहे हैं कि हम गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर, हमें गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, तो इससे कैशलेस सोसाइटी का क्या फायदा होगा? गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज छोटे चीजों के लिए नहीं करना चाहिए, मैंने नहीं कहा कि गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज ही मत करो, मैम सेइंग कि अगर कोई बहुत बड़ी अच्छी चीज है हमें सिर्फ एक पहलू पे देख ध्यान नहीं देना चाहिए कि इससे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। कैशलेस सोसाइटी तो बहुत अच्छा है, आप मैंने बहुत लोगों को ऐसा देखा है जो पहले पेटीएम यूज़ नहीं कर रहे थे, ऑनलाइन सामान यूज़ नहीं कर रहे थे, नाउ दे आर डूइंग इट।
चेंज ऑफ हैबिट. अब हम लोग हर रोज बोलते हैं कि सुबह उठ के जॉगिंग में जाना चाहिए, जॉगिंग में जाना चाहिए. कितने लोग उठ के सुबह जॉगिंग में जाते हैं? हम लोग हर रोज टालते रहते टालते, अनटिल अनलेस डॉक्टर हमें बोल देता कि कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत हाई हो गया है, आपको करना ही पड़ेगा, तो सुबह उठ के फटाफट हम जॉगिंग में जाना शुरू कर देते. जब आपको प्रॉब्लम आएगी और आप नहीं कर पाएंगे तो डेफिनेटली आप पेटीएम और कार्ड और ये सारी चीज़ें यूज़ करेंगे. 2008 में शायद अमरीका बढ़ रहा था कैशलेस इकोनॉमी, प्लास्टिक इकोनॉमी की तरफ. तब एक बहुत ही रिसेशन देखा गया, एक डाउन देखा गया मार्केट में. लोगों को लोन पे और लोगों को कर्ज में जीने की आदत पड़ जाएगी. क्या यह था दिमाग में सरकार के, और इस आदत को ना डालने के लिए लोगों में कैशलेस इकोनॉमी का किस तरीके से प्रयोग किया जा सकता है? सी, कोई आपको कंपेल नहीं करता है कि आप क्रेडिट लो. Nobody is compelling you to take credit. कि आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आपको क्रेडिट लेना ही पड़ेगा. आप डेबिट कार्ड या पेटीएम भी यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट अपने अकाउंट में जितना पैसा है आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं. इट इज़ अप टू यू. अब हर कोई स्मोक कर रहा है, यू आर सपोज टू स्मोक, क्योंकि फिर आपको आदत पड़ जाएगी, क्योंकि आप ऐसे सोसाइटी में रह रहे हो. दैट इज़ अगैन अ वेरी बैड थिंग ऑफ सेइंग, क्योंकि ये आपके ऊपर है कि आप कितना क्रेडिट लेना चाह रहे हो और कितना नहीं लेना चाह रहे हो. सोसाइटी इज़ नॉट कंपेलिंग, इट इज़ सेइंग कैशलेस सोसाइटी. आपके अकाउंट में जितना पैसा है उसको नोट की जगह आप कार्ड से यूज़ कीजिए. आपको ये नहीं बोला गया है कि आपके अकाउंट में अगर 4,000 रुपये है तो आप 10,000 रुपये खर्च कीजिए. आप 4,000 रुपये खर्च कीजिए, सिर्फ 4,000 रुपये बैंक से ना निकाल के उसको कार्ड से यूज कीजिए. आपको कोई ये नहीं बोलता है और ना कोई कंपेल करता है कि आप 10,000 रुपये यूज़ कीजिए. आप करते हैं तो वो आपकी मर्जी है, आपके पास वो भी अवेलेबल है, आप कर सकते हैं. नोबडी इज गोइंग टू कंपेल यू. सो इट कैन नॉट बी. आप डेवलप होना चाहते हैं, आप टेक्नोलॉजी को आगे ले लाना चाहते हैं, आप डेवलपिंग कंट्री में आना डेवलप, तो आप उसको ये भी कहेंगे कि हम कैशलेस सोसाइटी भी नहीं बनेंगे क्योंकि हम उधारी की आदत पड़ जाएगी. देन इट इज यू नो समथिंग, वी आर बीइंग हिपोक्रेट्स. आल्सो व्हाइल आवर डिस्कशन इज ऑन डीमोनेटाइजेशन एंड प्रोबेबली द इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ इट, वी हैव टू रिकॉग्नाइज दैट एसेंशियली इट इज नॉट एन इकोनॉमिक डिसीजन, इट इज अ पॉलिटिकल डिसीजन. सो समवेयर वी हैव टू आल्सो लुक एट द इशू and re-examine, will it solve political problems? What are the political problems? By and large, number one is corruption in buying votes, where a poor man's vote is bought for a bottle of local desi sharab and getting them to the voting booth. So maybe it is useful to examine demonetization from a political point of view. We should not only limit ourselves to numbers. कि इतने लाख रुपए आए, इतने लाख करोड़ रुपए आए, इतने लाख करोड़ रुपए नहीं आए. ये it is very important, and I am quite amazed. Amazed is the word that our newspapers, television channels, internet news, all variety of news is not analyzing it as a political decision. At the end of it all, it is a political decision. Only the Prime Minister and his team can decide on demonetization or monetization, whatever you call it. Uttar Pradesh mein chunav aa rahe hain, kya aap keh rahe hain ki Pradhan Mantri अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए ये पॉलिसी? इट इज क्वाइट पॉसिबल, हु नोज. बट वन थिंग विच अगेन फॉर सम रीजन जर्नलिस्ट्स आर नॉट रिपोर्टिंग इट एज मच एज आई वुड हैव लाइक्ड इट टू बी एनालाइज्ड, एंड दैट इज द इशू ऑफ काउंटरफेट मनी. विद व्हाटएवर लिटिल लिंक्स आई हैव, इट वाज क्वाइट वेल एस्टैब्लिश्ड दैट पाकिस्तान वॉज रेडी to unleash lakhs and lakhs and lakhs of crores of counterfeit money, and they were getting ready for many sorts of activities. One of the activities was, because I have worked in these departments sometime, the terrorists would come into the border areas in J&K and under threat of life would tell them ki tum jaake ye rupaye lo, 500 rupaye ke notes dete the, grocery khareed ke lao. Us tarike se paise
was put into circulation. एक बार वहाँ के आईबी ने देख लिया कि कोई लेबरर्स थे, वो 50 किलो अखरोट खरीद के ले गया, तो उनको लगा कि लेबरर के पास कहाँ से पैसे आए, तो वो भी बस्ट हुआ वो मॉड्यूल. सो मैं एक हॉस्पिटल का डायरेक्टर था, और जब मेरे को मेरे फैकल्टी वहाँ के स्टाफ आके अगर कहते थे कि सर पेशेंट 95% ठीक है, आई वुड से इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल. द बॉडी हैज़ अबाउट अ बिलियन सेल्स एंड मूविंग पार्ट्स, सो इफ आई डू 95% करेक्ट सर्जरी, आई हैव लेफ्ट 5 million पॉइंट्स ऑफ एरर विच कुड मेक द पर्सन डाई. So where the government has failed, whether it's an economic decision or it's a political decision, the fact of the matter is it has failed in planning a proper execution of demonetization. And that is a matter of serious concern, that if the government fails in the first very major, not major but extremely major project it has undertaken in 2 years since 26th May, ढाई साल हो गया 26th May 2014, अगर ढाई साल में जो पहला मेजर प्रोजेक्ट आपने किया अगर उसकी प्लानिंग ठीक नहीं हुई है, देन आई एम कंसर्न्ड दैट हाउ विल वी प्लान फॉर सिक्योरिटी अगेंस्ट साइबर अटैक, सिक्योरिटी अगेंस्ट पाकिस्तान्स अटैक, सिक्योरिटी अगेंस्ट चाइना इन्वेडिंग आवर इकोनॉमिक जोन. We are now realizing even fruits and vegetables are being made out of plastic to attack our health. So the planning aspect of demonetization, I will not score 95 out of 100, because where the requirement is minimum 100 out of 100, to kam se kam 99 to lao. So in my opinion, 95 out of 100 is failure. सर मनमोहन सिंह देश के पूर्व प्रधानमंत्री कह रहे हैं जहाँ सर कि देश के भविष्य के लिए वर्तमान को दांव पर नहीं लगाना चाहिए. हम मान लेते हैं कि कालाधन वापस आ जाए 3 लाख करोड़ 4 लाख करोड़, लेकिन इस दौरान अगर देश को 6-7 लाख करोड़ का घाटा हो गया, आयात निर्यात ठप है, किसानों के पास पैसा नहीं है, अगर वो घाटा हो गया तो ये कितना इकोनॉमिकली वाइज डिसीजन आपको लग रहा है? वही तो विक्रम जी ने बताया, एजुकेशन प्लानिंग सही नहीं हो रही, मोनेटाइजेशन करते और सर्कुलेशन में और नोट रहता, सर्कुलेशन नोट रहता, उसके बाद उसको डिमोनेटाइज करते तो ये प्रॉब्लम, ये टीथिंग प्रॉब्लम हो रहा है वो नहीं होता. और लेबर्स को पैसे देने को होता, फैक्ट्रियाँ चलती, सब रिटेलर्स का भी काम चलता, आप लोगों का भी काम चलता, सबका, उस पर दिक्कत नहीं होती. फिर भी इस स्टेज में, आज के डेट में भी और पहले के स्टेज में ब्लैक मनी अलग इशू हो गया. ब्लैक मनी को आप इससे पूरा कर्व नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि जो जैसे मैम बता रही, कुछ कुछ जो घर में पैसे रखे हुए हैं वो ज़रूर आ गए हैं, वो आ गए हैं सर्कुलेशन में आ जाएगा, और ब्लैक मनी को बिल्कुल आप व्हाइट नहीं कर पा रहे हैं. ब्लैक मनी को व्हाइट करने वाले व्हाइट कर भी लिए हैं जैसे भी कर रहे हैं और करते रहेंगे. तो एजुकेशन मेन इंपॉर्टेंट था, जो प्रॉब्लम्स है आगे क्या होगा, आगे क्या होगा फ्यूचर बताएगा आगे क्या होगा नहीं होगा, मगर आज के डेट में जो प्रॉब्लम हो रहा है इकोनॉमी में असर पड़ रहा है वो नहीं होता यदि प्लानिंग इसका सही करते, एजुकेशन सही करते. ये कहते हैं किसी भी देश का कानून या संविधान कितना भी अच्छा हो, बेस्ट डॉक्यूमेंट रिटन हो, अगर उसको लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं हैं तो वो ध्वस्त हो जाएगा. और उसी जगह यदि कानून या संविधान किसी कंट्री का खराब भी है या कम अच्छा है, उसको लागू करने वाले बड़े कॉम्पिटेंट अनुभवी लोग हैं तो वो कानून भी अच्छा माना जाएगा. इसलिए प्लानिंग में, प्लानिंग मैटर्स मोर. प्लानिंग की बात जो है वो है, गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट के सामने कोई एक ही मुद्दा नहीं था कि एकदम डिमोनेटाइजेशन कर दें. गवर्नमेंट भी अलाइव थी इस सिचुएशन से कि जनता में, जनता को बहुत परेशानी ना हो, उसके लिए उन्होंने बहुत सारी स्कीम्स चलाईं. और प्रतिदिन जैसा मैंने पहले भी कहा, कुछ ना कुछ नई बात जोड़ते रहते हैं ताकि जनता. सर जनता समझ सकती है कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए 1000 और 500 के नोट बंद करे, लेकिन 2000 का नोट ले आए सरकार में जो कि 1000 के नोट से बड़ा है, इसके लिए क्या क्या राय देंगे आप? अब उसको यदि भ्रष्टाचार माना जाए कि भाई तो ज़्यादा पैसा लगता है,
लाखों करोड़ों लोग भ्रष्टाचार में खर्च करते हैं, तो दो दो हज़ार के नोट इतनी जल्दी इकट्ठे ना हो पाएंगे कि भ्रष्टाचार बढ़े। मगर हाँ, साल दो साल बाद फिर यही स्थिति आ सकती है, लोग होर्डिंग कर सकते हैं, पैसा जमा कर सकते हैं, काला धन तो जो है कमा के टैक्स ना दीजिए काला हो जाता, तो इसलिए वो बात आगे आ सकती है और बार बार आती है, पूरे वर्ल्ड में आती है। आपने अमेरिका का जिक्र किया था अभी पहले, अमेरिका में 2008 में बैंकों ने 2.5% पे हाउस लोन दे दिया, कोई डॉक्यूमेंटेशन खास नहीं है। हमारे यहाँ आप जो है किसी भी बैंक से लोन मांगने जाते हैं तो दुनिया भर के तो डॉक्यूमेंटेशन करिए, यानी 100 पेजों पे दस्तखत करने हैं, उनमें क्या लिखा है लोन लेने वाले को तो मालूम ही नहीं है। और 13% पे यहाँ देते हैं, यानी जो लोन लेने वाला है यहाँ के मुकाबले वहाँ कितनी अच्छी स्थिति में था। वहाँ कोई आदमी जो है किराए पे मकान लेना पसंद नहीं करता, सब बैंक से लोन लिया 2.5% पे, यानी 2.5% क्या होता, 1 लाख रुपए का लोन लिया तो 2,500 रुपया सालाना इंटरेस्ट दिया, कितना चीप है। तो उस वक्त जो है 600 बैंक बर्बाद हो गए अमेरिका के, क्यों कि उन्होंने बिना सोचे समझे, बिना ठीक डॉक्यूमेंटेशन के, बिना फील्ड असेसमेंट किए हुए बड़े लिबरली लोन बांट दिए, उसमें जो है धोखा हो गई, लोगों ने जो है लोन लिए पे ऑफ किए नहीं, पे ऑफ नहीं किए तो चौपट हो गई इकोनॉमी। मगर यह है कि यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ आज की डेट में आप जाइए बैंक अब से भी ज़्यादा, पहले से भी ज़्यादा कॉशियस हो गए हैं, उनके पास पैसा आ रहा है, मगर यदि आप लोन मांगने जाएंगे तो आपकी 10 तहकीकात करेंगे, बहुत जांच पड़ताल करेंगे, आप में पेइंग कैपेसिटी है कि नहीं है ये देखेंगे पहले, अगर पेइंग कैपेसिटी नहीं है तो बैंक झांसे में नहीं आते हैं, वो लोन रिफ्यूज़ कर देते हैं। अब ये डिफेक्टिव प्लानिंग को सरकार आने वाले समय में कितनी जल्दी ख़त्म करती है, कितनी जल्दी लोगों की दुविधाओं का निवारण करती है, ये देखने के लिए हम लोग बने रहेंगे DME TV पर। मैं भरत, मैं प्रतीक्षा मिश्रा, आपसे अलविदा लेते हैं।